और मैंने प्रेडिक्ट किया सोलाना नीचे जाएगा इस लास्ट वीडियो में, और सोलाना नीचे गया, ठीक है। ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे ये देख सकते हैं 1.63 ट्रिलियन है। इस टाइम BTC को जब रेजिस्टेंस मिल रही है, BTC पंप नहीं कर रहा, फौरन वहां से आपने पैसा निकाल के दोस्तों, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि क्रिप्टो की प्राइस ऊपर या नीचे कैसे जाती है, तो इसका कोई आसान तरीका है इसको जज करने का, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जी हाँ, इसका कोई आसान तरीका अवेलेबल है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये मैंने एक आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा रोड मैप बना दिया है कि कैसे जज करेंगे कि क्रिप्टो की प्राइस ऊपर कैसे जाएगी, कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा, कौन सा कॉइन नीचे जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर क्या कह रहा है फिएट। अब ये चलती कैसे है, ये एक पूरा एक सिस्टम है, मतलब कि फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो आपके डॉलर या पाउंड या रुपये होते हैं, ठीक है। ये इसको फिएट करेंसी कहते हैं, जो नोट होता है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वगैरह वगैरह। सबसे पहले बात शुरू होती है फिएट करेंसी से। फिएट करेंसी कहाँ पे आती है? सबसे पहले फिएट करेंसी आती है BTC में। BTC मतलब बिटकॉइन। ये देखें, ये नंबर वन पहला स्टेप है, मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा जाएगा, जो पहले नंबर पे है, पैसे आएंगे क्रिप्टो करेंसी में सबसे ऊपर जाएगा बिटकॉइन। अब आप लोगों ने यह सुन रखा होगा कि बिटकॉइन प्राइस ऊपर जाती है तो बाकी सारों की भी ऊपर जाती है, लेकिन आप लोगों ने यह नहीं सुन रखा होगा कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाने से बाकी की प्राइस ऊपर क्यों जाती है, बाकी हाइप अप क्यों होते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि इस स्टेज के ऊपर कौन सा कॉइन ऊपर जाने वाला है। तो ये सारी सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये देखें, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप देखोगे मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस अप जा रही है, तो यहां से आप देखें यहां ट्रेंड से। अब ये देखें बिटकॉइन की प्राइस लास्ट 7 डेज से कितनी चेंज हुई है, ये आपने देखें लास्ट 7 डेज से अगर बिटकॉइन की प्राइस कितनी 0.14 चेंज हुई है, ज़्यादा चेंज नहीं हुई। अगर हम इसके अंदर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कितने टाइम से इसकी प्राइस स्टेबल है। 7 डेज में देखते हैं लास्ट, नहीं चेंज हुई। लास्ट 1 मंथ में देखें, देखें लास्ट 1 मंथ में 12% चेंज हुई है। इसका मतलब है कि जब लास्ट 1 मंथ में 12% चेंज हुई है यहाँ से, तो ये 12% इसकी थ्रेशोल्ड थी। जब 12% चेंज होने के बाद लास्ट 7 डेज में इसकी प्राइस स्टेबल है, इसमें ज़्यादा प्लस नहीं आया, उसके बाद क्या होगा, सेकंड क्या होगा, इसके बाद ऊपर कौन सा जाने वाला, ये तो स्टिल हो गया, अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, और आगे अब कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा, क्वेश्चन माइंड में उठता है। तो ये देखें आगे आपने देखना, जब इसमें से लोग पैसा कमा लेते हैं BTC में से, इसमें से लोगों ने पैसा कमा लिया BTC में से, जो क्लेवर लोग हैं या बड़ी वेल्स हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया होता है, उसके बाद वो आते हैं नंबर 2 के ऊपर इधर से पैसा कमाने। BTC से पैसा निकालते हैं, BTC वहीं पे स्टेबल होता है, रेजिस्टेंस लेता है या थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, उसके बाद वो पैसा आने लग जाता है लार्ज कैप में। अब आपने ये देखना है कि लार्ज कैप कॉइन कौन से होते हैं, ठीक है। अब डिवाइड हो गए कॉइन्स BTC में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। ये देखें, अब BTC तो स्टेबल हो, उसके बाद लार्ज कैप के ऊपर आते हैं, लार्ज कैप कॉइन कौन कौन से हैं वो अब ऊपर जाएंगे। बिल्कुल सिंपल आपने माइंड में रखना है, सबसे पहले फिएट मनी BTC में आती है, BTC ऊपर जाता है, ठीक है, जब वहाँ जहाँ पे वो स्टेबल होता है ऊपर से रेजिस्टेंस मिलती है, उससे ऊपर नहीं जा रहा होता, फिर वहाँ से मनी निकलती है, लार्ज कैप में आती है, जो के हालात आपने पिछले दिनों देखे हैं। पहले BTC पंप कर रहा था, सारे BTC में डाल रहे थे, फिर एक टाइम आया आपने देखा सोलाना पंप किया। मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी वीडियोस आप उठा के देख लें, वहाँ पे मैंने बताया था कि सोलाना कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। मैंने प्रेडिक्ट किया कि सोलाना ऊपर जाएगा और सोलाना ऊपर गया, और मैंने यहाँ से देखें, और मैंने प्रेडिक्ट किया सोलाना नीचे जाएगा इस लास्ट वीडियो में, और सोलाना नीचे गया, ठीक है। और ये मनी फ्लो जो मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ, ये मैंने अपने कोर्स में समझाया है। अगर आप ये मेरे आप लोगों ने ये मेरा कोर्स अटेंड किया था तो आप इसमें जाके इसमें आपको पता लग जाएगा। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो समझ आ गया। अब लार्ज कैप कौन सी होती है, यहाँ पे जब आते हैं ना मार्केट कैप के ऊपर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे ये देख सकते हैं 1.63 ट्रिलियन है इस टाइम। तो इसमें सबसे जो डोमिनेट कर रहा है 823 बिलियन में मार्केट कैप में, वो बिटकॉइन है। तो सबसे पहले फिएट करेंसी से, जो मैंने आपको दिखाया, सॉरी, जो कि मैंने आपको दिखाया फिएट करेंसी से, BTC में लोग आए, पहला स्टेप BTC स्टेबल हुआ, BTC में उन्होंने देखा कि ये यूफोरिया पे पहुंच गया, इसके ऊपर BTC अभी फिलहाल नहीं जाने वाला, रेजिस्टेंस आ रही है, इसके ऊपर प्राइस नहीं बढ़ रही, तो उन्होंने प्राइस पैसे उसमें से निकालने शुरू कर दिए जो बेस्ट उनको मिली। फिर वो आए लार्ज कैप में, उन्होंने पैसा किस में डाला है, लार्ज कैप में, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होती है। अब देखें नंबर 4 पे आ रहा है सोलाना, ये नंबर 5 पे था, सोलाना एक अच्छा प्रोजेक्ट होने के साथ साथ जो है ना इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बड़ी थी, देखें BNB और इसकी
लोगों ने क्या करना शुरू किया, इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो लोग जो क्लेवर हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो बड़े लेवल पे काम खेल रहे हैं या डे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं। अब BTC से जो है ना सोलाना में आ गया, सोलाना ने पंप किया, अभी देखें सोलाना स्टेबल हो रहा है, सोलाना को रेजिस्टेंस मिल रही है, सोलाना ऊपर गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीड एंड फियर इंडेक्स को आपने देखा ना सोलाना का, सोलाना ग्रीड पे था तो उस वक्त मैंने कहा था टाइम टू सेल है, ये इसने डिप करना है। अच्छा, अब देखिए सोलाना नीचे जा रहा है। अब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आंसर आ रहा होगा कि आप कौन से कॉइन ऊपर जाएंगे। देखें, आप मेरे इस चार्ट को नोट कर लें, लिख के रख लें अपने मोबाइल के ऊपर। ये चार्ट आपका गलत हो जाए आप मुझे कमेंट में बताएं, मुझे एजुकेट करें, ठीक है। लार्ज कैप के बाद अब नंबर आने वाला 3, मिड कैप के ऊपर। अब मिड कैप कौन सी होती है ये देखें। अब देखें ये लार्ज कैप है, 44 बिलियन, 33 बिलियन, ठीक है, 20 बिलियन। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो बिटवीन 1 to 10 बिलियन होते हैं ना, वो होती है मिड कैप, ठीक है। अब देखें लाइट कॉइन में आ जाएं, ये देखें 5, डाई में आ जाएं, डाई ऑब्वियसली एक स्टेबल कॉइन है, इसकी प्राइस ऊपर नहीं जाने वाली, इसको छोड़ दें, ठीक है। जितने भी ये देखें, कॉस्मोस में आ जाएं, यूनिस्वैप में आ जाएं, नियर इंटरनेट कंप्यूटर, नियर प्रोटोकॉल पंप कर रहा है, देख रहे हैं। सोलाना के बाद मिड कैप बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा है। आप लोगों ने माइंड में रख लिया सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने माइंड में रख लिया सबसे पहले आएगा BTC ऊपर जाएगा। BTC ऊपर जाने के बाद जब स्टेबल होगा ना, तो आप लोगों ने देखना कि BTC को जब रेजिस्टेंस मिल रही है, BTC पंप नहीं कर रहा, फौरन वहां से आपने पैसा निकाल के लार्ज कैप में डालना है, लार्ज कैप में। क्योंकि जो स्मॉल कैप है ना, आपने ये देखना स्मॉल कैप भी ऊपर जाएंगे, वो काफ़ी टाइम के बाद जाएंगे, लार्ज कैप ऊपर जाएगा। जब लार्ज कैप ऊपर गया ना, जब वो वहाँ पे जाके स्टेबल हुआ, उसको रेजिस्टेंस मिली, आपको पता लग गया कि इसका जो ग्रीड इंडेक्स है वो 70% हो गया, 70 पे चला गया या 80 पे या 60 पे चला गया, उस वक्त आपने उसको सेल करना है, आपने स्विच करना है मिड कैप की तरफ, मिड कैप की तरफ। और मिड कैप में भी आपने अंडरस्टैंडिंग रखनी है, सारे मिड कैप में ऊपर नहीं चले जाएंगे, लेकिन मिड कैप में भी वो ऊपर जाएंगे जो या तो वो है एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वो एक प्रॉपर जो है ना क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिनकी ज़रूरत है, या जो है ना फ्यूचरिस्टिक हैं, या उनकी उनकी रिक्वायर वो इस ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड हुए हैं जिनके ऊपर मल्टीपल प्लेटफॉर्म और बिल्ड हो सकते हैं, और उनकी नीड है और एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर उन मिड में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब मिड को ऊपर आएगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं नियर प्रोटोकॉल पंप कर रहे हैं मिड वाले। अब ये सारे तकरीबन जो टॉप 100 है ना, वो अराउंड मिड में आते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये टाइम चल रहा है मिड, जो मिड में है ना, सारों में आप देख सकते हैं लास्ट 7 डे में जो लार्ज कैप से जो है ना, जो मिड कैप वाले हैं वो ऊपर जा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी मिड कैप वालों सारे को आप तकरीबन देख रहे हैं, वो जो है ना उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अब अनलेस के वो बहुत स्टूपिड प्रोजेक्ट है, ठीक है। लास्ट 7 डेज में मिड वाले ऊपर जा रहे हैं। अब आप खुद बताएं कि अब कौन सा कॉइन ऊपर जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए करना, जिनकी स्मॉल कैप है, नंबर 4 के ऊपर क्या आएगा, स्मॉल कैप। अब जब स्मॉल कैप से पैसा बन जाएगा, इसने एक टाइम में पंप करना है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप वो होते हैं जिनकी लेट्स से फ्यू मिलियंस होती है मार्केट कैप, लेस देन 1 बिलियन होती है, वो स्मॉल कैप होते हैं। जिनकी लेस देन 1 बिलियन है, वो सारे स्मॉल कैप है, ठीक है, लेस देन 1 बिलियन। अब ये देख लें, ये अप टू 10 बिलियन है, और ये जो है 10 बिलियन प्लस है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं BTC itself है, ठीक है। BTC तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन है। तो 1 बिलियन से जिनकी स्मॉल कैप है, अब ये वीक आने वाला है उनका, अब पुश करने वाले हैं। अभी आप यहाँ पे आके देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रेंड देखेंगे रिसेंटली एडिट में जाए, क्योंकि फिर उन्होंने पैसा बना लिया, यहाँ पे भी उन्होंने पैसा बना लिया BTC से, लार्ज कैप से, मिड कैप से। अब वो आएंगे स्मॉल कैप में, जिनकी स्मॉल कैप है उनमें पैसा डालेंगे। अब यहाँ पे आप रिसेंटली एडिट में जाएं, यहाँ पे आप ट्रेंड देखना शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें इसने स्लोली पिक करना है, कॉइन पिक हो रहे हैं, आप ये देख रहे हैं लास्ट 24 आवर में, देखते ही आप देखेंगे नए कॉइन इमर्ज हो रहे होंगे, नए कॉइन में प्राइस ऊपर जा रही होगी। और आप लोगों को खुशखबरी देता जाऊं कि जो है ना, मैं अगली वीडियो डाल रहा हूं कि आप यूनिस्वैप से पैसा कमा कैसे सकते हैं। आपने 10 में से, फॉर एग्जांपल आपने एक $100 इन्वेस्ट किया, तो आप 10,000 उसको कैसे बना सकते हैं। थोड़ा रिस्की है, लेकिन जो है ना उसमें रिवॉर्ड भी हाई है। यूनिस्वैप से लोग 100 times अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे आपने वो करनी है, उसमें रिसर्च करनी है, A to Z मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए जितनी भी लार्ज कैप है उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 times नहीं कर सकते, ये याद रख लेना। जितनी स्मॉल कैप है ना, उनमें आप अपनी जो है ना उसको इन्वेस्टमेंट को 100 times कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा है।
लार्ज कैप में जो है ना आप इस टाइम तकरीबन 5 to 10 times अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो मिड कैप है उसमें अराउंड 10 to 20 times अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट सही है, और जो स्मॉल कैप है ना उनमें आप 100 times भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वो मैं यूनिसेफ के ऊपर आपको समझाऊंगा कि यूनिसेफ के ऊपर आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है और अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है ना 100 times कैसे करना। तो दोस्तों ये है यूनिसेफ गोल्ड माइन। दोस्तों मैं जो अभी आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो मेरा मुद्दा था, जो मेरा मेन पॉइंट था, वो ये था कि आपने पैसा कैसे बनाना है, आपने जज कैसे करना है कि ओवरऑल एक आसान लफ्ज़ों में प्राइस कैसे ऊपर जाती है। सबसे पहले BTC ऊपर जाता है, उसके बाद कौन सा कॉइन जाता है, उसके बाद कौन सा कॉइन ऊपर जाता है, तो आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है 400 में। सबसे पहले BTC नंबर 1 के ऊपर लार्ज कैप, नंबर 2 के ऊपर मिड कैप और नंबर 3 के ऊपर स्मॉल कैप। जब आपने देखा लार्ज कैप वाले जिनका मार्केट कैप लार्ज है वो ऊपर चले गए, लेकिन वो जाके स्टक हो गया। फॉर एग्जांपल ये सोलाना 123-125 पे गया, उसके बाद वहाँ पे स्टक हो गया, और आप देख सकते थे, मैं आप लोगों को बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ, ये इंडेक्स आपने ज़रूर देखना है। जब लोग डरे हुए होते हैं ना वो टाइम होता है बाय करने का, और जब लोग जो है ना ग्रीडी हुए होते हैं वो टाइम होता है सेल करने का। तो मैं बार बार इंडेक्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, जब आप लोगों ने इसमें देखा सोलाना में देखा कि इसका ग्रीड इंडेक्स बहुत बढ़ गया, तो आपने उस टाइम उसको सेल करना शुरू कर दिया। जब उसको सेल किया आपने जंप करना है स्मॉल कैप वाली साइड पे या मीडियम साइड पे, क्योंकि अब वो टाइम आने वाला है कि क्लेवर मनी, ज़्यादा मनी का फ्लो जो होगा वो स्मॉल और मीडियम साइड पे आएगा। तो दोस्तों वो ऊपर जाएंगे, आसान लफ्ज़ों में पता लग गया, BTC सबसे पहले ऊपर जाता है, फिर लार्ज कैप ऊपर जाते हैं, नंबर 2 के ऊपर लार्ज कैप के बाद फिर मिड कैप ऊपर जाते हैं, फिर मिड कैप के ऊपर स्मॉल कैप ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों ये तो मेरा तरीका था आप लोगों को समझाने का, और बिल्कुल तरीका आसान है, और आप इस चीज़ को आजमा लीजिएगा कि 100% ये ऐसा होगा। अगर आपको कोई और ट्रेंड मिलता है तो आप मुझे भी सजेस्ट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। इट रियली हेल्प मी एंड हेल्प एवरीबडी अराउंड हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल द एंड अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।